का लेक्चर नंबर 6 के साथ आपके सामने हूं मैं आज। और लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। दीस 9 प्लैनेट्स व्हेन दे स्प्लिट अवे फ्रॉम सन दे हैव बीन रिवॉल्विंग अराउंड द सन सिंस देन, आई मीन सिंस दे फेल इनटू स्पेस। उसके बाद ये है कि उसने कहा था कि लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, लाइफ छोटे छोटे सादा इंसान में शुरू होती है, ठीक है। एंड द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ, ऑफ दैट काइंड ऑफ सिंपल लाइफ वॉज रिप्रोडक्शन। वो जो सादा जिंदगी थी उसकी सर्वाइवल एबिलिटी क्या थी, उसकी अपने आप को बाकी रखने की सलाहियत क्या थी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन टू रिप्रोड्यूस लाइक योर ओन, ठीक है ना, बिफोर यू डाई। अच्छा, इसपे एंड व्हेन लाइफ बिकेम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, फीचर ऑफ सिंपल लाइफ मैंने लिखा है। सादा जिंदगी की फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा है, फीचर्स भी लिखा है, क्या थी कि रिप्रोडक्शन एबिलिटी थी। बट व्हेन लाइफ बिकेम कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स हो गई, ह्यूमंस दे क्वाइट एंबिशन, इंसान के अंदर ख्वाहिशात आ गई, अब जज्बे भी आ गए। एंड सेंस ऑफ ब्यूटी लिखा हुआ मैंने, सेंस ऑफ ब्यूटी, दे अक्वायर्ड एन एबिलिटी टू एप्रिशिएट ब्यूटी। सेंस ऑफ ब्यूटी क्या है, एन एबिलिटी टू एप्रिशिएट ब्यूटी। उनके अंदर यह सलाहियत आ गई तो हसन की तारीफ करें। यह एक और टर्म मैंने दिया, एस्थेटिक सेंस, ए ई एस टी एच ई टी आई सी, एस्थेटिक सेंस, हुस्ने जमालियत, हुसन को पसंद करना। व्हेन यू लाइक ब्यूटी एंड यू एप्रिशिएट ब्यूटी, दिस स्पेशल एबिलिटी इन एनीवन इज कॉल्ड एस्थेटिक ब्यूटी। ही हैज गॉट एन एस्थेटिक सेंस, he has got a plenty of an aesthetic sense, uske paas bahut zyada aesthetic sense hai, mean usne jamaliyat hai, his sharp of appreciation of beauty is very, sorry, his ability of appreciation of beauty is very sharp, theek hai ji। uske baad ambition, religion, sense of beauty are in aesthetic sense। ab these are the characteristics of complex life, ambition, religion and human, they acquired religion and around religion their noblest desires and their high ambition revolve। aur phir unke paas mazhab ka tasavvur bhi aa gaya aur mazhab ke tasavvur ke gird unki zindagiyan jo hai ghoom rahi hain। dekhiye ye question aapko additional question aayega, ye exercise mein dekha, ye question nahi hai ki what was the chief, likhiyega statement, what was the chief characteristic of simple life, सिंपल लाइफ की सबसे चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, व्हाट वाज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल लाइफ, क्या थी, रिप्रोडक्शन। लाइफ कब स्टार्टेड हुई, इट स्टार्टेड इन सिंपल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड लाइफ स्टार्ट, लाइफ कब हुई जो है वो हाउ था, इट स्टार्टेड, व्हेन डिड लाइफ स्टार्ट, उसने कहा कि वी डोंट नो हाउ एंड व्हेन इट स्टार्टेड बट It started in simple organism। ये नहीं आएगा question कि when, ठीक है ना? ये आएगा कि first of all life started in simple organism and the chief characteristic of the simple organism was their reproductive ability and later on life it turned into complex ones and then the complex life acquired different features like ambition, religion, aesthetic sense or sense of beauty etc. ठीक है, आएगा व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, व्हाट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल लाइफ, और दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ। इसके हल्का सा क्वेश्चन बनेगा आज। उसके बाद नेक्स्ट जी कहता है ऑल्दो अगरचे वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, अगरचे हम किसी बात को भी पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते, ऑल्दो अगरचे वी कैन नॉट स्पीक, हम नहीं कह सकते विद एनी सर्टेनिटी, किसी भी, we cannot speak anything with speak with any certainty, किसी भी बात को पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते, it seems most likely, लेकिन लगता है, it seems लगता है most likely कि इस बात के कम ही इम्कान था, किस बात के, that के human race, इंसानी नस्ल जो है came into being, वो मार्स के वजूद में आई होगी in some way such as this, किसी ऐसे ही तरीके से जैसे तरीके की बात की गई है। दोबारा
although virtually we cannot speak with any certainty, हम किसी बात को भी पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते, it seems almost लगता ये है that human race came into existence, इंसानी नस्ल जो है वो मादर जूद में आई होगी in some way, किसी ऐसे तरीके से, such as जैसा कि ये तरीका है। अच्छा, standing on our little grain of sand, जब हम अपने रेत के छोटे से जर्रे पे खड़े होते हैं, standing खड़े होते हुए, on our little grain of sand, रेत के जर्रे पे खड़े होते हुए, we try, हम कोशिश करते हैं, to discover कि हम दरियाफ्त करें, the nature and purpose of universe, इस कायनात की माहियत को जान जाएं और इसके मकसद को जान जाएं। नेचर एंड पर्पस ऑफ यूनिवर्स, विच कौन सी कायनात, विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस, वो कायनात जिसने खला के अंदर हमारे इस घर यानी प्लैनेट अर्थ को घेरे में लिया हुआ है। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, हमारा जो प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट इट इज नॉट मोर देन, लास्ट एक बच्ची ने क्वेश्चन भी किया था, ये स्पेक का मतलब क्या है, स्पेक होता है छोटा सा ज़र्रा, उसके स्पेलिंग है SPECK, स्पेक, स्पेक जरा। सो आवर प्लैनेट इज नॉट मोर देन अ स्पेक इन यूनिवर्स, पूरी कायनात स्पेस जो है हमारा प्लैनेट, इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर प्लैनेट, इट मींस वी आर स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, एंड दैट लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड और दैट प्लैनेट ऑफ आवर्स, इट इज बीइंग सराउंडेड बाय, इट इज बीसेट विद प्लेंटी ऑफ स्पेस ऑल अराउंड, हर तरफ खला ही खला, उसमें छोटा सा जर्रा, और इस छोटे से जर्रे के ऊपर आपकी जिंदगी आबाद है। हम कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, वाइल स्टैंडिंग खड़े होते हुए, ऑन लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के छोटे से जर्रे पे खड़े होते हुए, हम कोशिश करते हैं किस बात की, टू डिस्कवर कि हम जान जाएं, टू रियलाइज, टू नो, जान जाएं नेचर एंड माहिर को, जान जाएं पर्पस ऑफ यूनिवर्स, उस कायनात के मकसद को, जान जाएं विच सराउंड्स आवर होम, जिसने हमारे घर को घेरा हुआ है इन स्पेस एंड टाइम, खला में और वक्त में। अच्छा, अब इस रेत के जर्रे के जो है वो हम कोशिश करते हैं खड़े होकर, हम इस पूरी कायनात को जो हमारे सराउंडिंग में, जानने की कोशिश करें, जब जानने की कोशिश करते हैं तो व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग डू वी हैव व्हेन वी ट्राई टू नो नेचर एंड पर्पस ऑफ यूनिवर्स, कौन सी यूनिवर्स, विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, जिस कायनात ने इस वक्त और खला में हमारे छोटे से जर्रे को घेरा हुआ है, जब जानने की कोशिश करते हैं, what sort of feeling do we have? We get frightened, we get scared. क्या होता है? We get frightened, get frightened, we get scared, we get afraid. हम डर जाते हैं, we get afraid, we get scared, we get frightened, हमें डर सा लगने लग जाता है, we start trembling, our body it trembling, it start trembling with the thought about such a huge and vast universe in which our status, the status of our planet is not more than a speck. ठीक है जी, तो पहले फीलिंग हमारी क्या होती है कि हम डर जाते हैं, फर्स्ट फीलिंग हमारी होती है जी, आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर, तो हमारा जो पहला ख्याल होता है कुछ ऐसे होता है जैसे कि डर सा, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें ये कायनात डरावनी लगती है, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग या वी फाइंड द यूनिवर्स स्केरी, SCARY स्केरी, टेरिबल, हॉरिबल, सारे लिखिएगा, टेरिबल, हॉरिबल, टेरिबल, हॉरिबल, हमें ये कायनात खौफनाक लगती है, ड्रॉनिंग, ड्रेडफुल लगती है, जी। और आखिर में देखिएगा टेक्स्ट के आखिर में ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन नंबर है जी 7, Why is the universe, क्यों ये कायनात, of which our earth is a part, जिसका हिस्सा हमारी जमीन है, so frightening, इतनी डरावनी है, give as many reasons as you can, और इतनी मिसालें, इतनी वजूहात देंगे जितनी आप दे सकते हैं। ठीक है जी,
पहली बात ये अवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर, सबसे पहले हमें डर लगता है, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात डरावनी लगती है बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंस, एक एक को मैं लिखूंगा, हमें क्यों डरावनी लगती है, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस। अब डर की वजह क्या है, ये तो बात पक्की है, व्हेन वी ट्राई टू नो द यूनिवर्स सराउंड आवर होम वी गेट फियरफुल, वी गेट dreadful, we get horrible, we get terrible, बहुत डरावनी लगती है। तो फिर क्या होता है, first feeling is that of fear, पहला जो एहसास है वो क्या है, खौफ का। अब frightening की होने की वजह क्या है, it's immense distances, IMMENSE, immense distances, it's immense distances, इसके बड़े बड़े फासले कायनात के, जिसकी वजह से हमें डरावनी लगती है। और दूसरी है जी समथिंग, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, बड़े बड़े फासलों में से डरावनी लगती है। कौन से फासले, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जो हमारी समझ में नहीं आते, फ्राइटनिंग, हर फ्राइटनिंग के बाद एक कॉज है, फ्राइटनिंग, हमें ये डरावनी लगती है। दूसरी वजह क्या है, बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के फैलाव की वजह से, सो क्रेट जो इतने बड़े हैं, दैट वी कैन नॉट इमेजिन देम, कि वक्त के वो फैलाव इतने ज्यादा बड़े हैं कि हम उनको अपने तखयल में नहीं ला सकते, मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और पूरी की पूरी इंसानी तारीख जो है, सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, उनके मुकाबले में, उन वक्त के फैलाव के मुकाबले में हमारी ये पूरी की पूरी इंसानी तारीख इंतहाई छोटी लगती है। दूसरी रीजन क्या है, दूसरी रीजन है स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, मैस डिस्टेंसेस, stretches of time, STRECHES, stretches of time, वक्त के फैलाव की वजह से। दूसरी रीजन आ गई, थर्ड रीजन जी उसके बाद है a million, because of, अगली बात यह है, because of frightening हमें डरावनी लगती है because of our extreme loneliness, अपनी तनहाई की वजह से, कि जैसी जिंदगी इधर पाई जाती है वैसी जिंदगी और कहीं नहीं है, loneliness, we find the universe frightening because of loneliness, वो तन्हाई, loneliness क्या है, the kind of life that we have on our planet, such sort of life is found nowhere else, कि ऐसी जिंदगी कहीं और पाई नहीं जाती, दोबारा देखिएगा, और loneliness because of our extreme loneliness, हमारी तन्हाई की वजह से, and because of the loneliness of littleness of our home in space, और इस हकीकत की वजह से कि हमारा घर कितना छोटा, बिकॉज ऑफ लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, हमारे इस खला में हमारे घर के छोटे होने की वजह से लोनलीनेस है, लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, वी गेट फ्राइटेंड व्हेन वी कम टू नो हाउ लिटल आवर होम इज in space, because our home is not more than a grain of sand, because our home is not more than a speck of dust, it's not more than a mark of dust, ek ret ke ek dust ke tinke se bhi zyada ye nahi hai, ye beta reason number 1, we find the universe frightening because of its immense distances, secondly because of stretches of time, those stretches of time they are so big that we cannot bring them into our imagination, and thirdly because of loneliness, and fourthly because of littleness of our home in space ji, uske baad hai littleness of our home in space, a millionth part of grain of sand, ye millionth lakhwa hissa hai, part of grain, ret ke zarre ka lakhwa hissa hai, out of all sea sand in the world, चूंकि ये दुनिया की पूरी जो रेत है उस रेत के अंदर ये एक रेत का जरा बात हो चुकी है, आगे बट अबव एल्स, लेकिन इन सबसे बढ़ के ये बट अबव एल्स इडियम देखिएगा, अबव एल्स, अबव ऑल, सबसे बढ़ के ये इडियम, अबव ऑल, सबसे बढ़ के ये अबव ऑल, ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, ऑन द टॉप ऑफ
सबसे बढ़ के ये अबव ऑल, और सबसे बड़ी बात क्या है जी, कहां गया जी, बिकॉज वी अबव ऑल वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें एक आना डरावनी लगती है बिकॉज, किसकी वजह से, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, चूंकि हमें नहीं मिलती ऐसी कोई साइन, ऐसी कोई निशानी दैट लाइक आवर ओन, दैट लाइफ लाइक आवर ओन, वो जिंदगी जैसे कि हमारे पास है, एग्जिस्ट एनी वेयर इन इट, वो इसके अंदर कहीं भी पाई जाती है ऑन दी अर्थ, इस जमीन के ऊपर। और अगली बात ये कि है द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी हैव ऑन आवर प्लैनेट इज नॉट फाउंड एल्सवेयर। फिफ्थ रीजन द काइंड ऑफ life we have is not found elsewhere, anywhere or elsewhere in universe, कि कहीं और भी ऐसे जिंदगी पा जाती है। ठीक है जी, कितनी reasons हैं फिलहाल, reasons हमारे सामने कितनी आ गई हैं, 5 reasons हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है जी, उसके बाद है we find the, because we cannot find any sign, हमें कुछ ऐसी निशाने नहीं मिलती that they life like our own, वैसी जिंदगी जैसी कि हमारे पास exist anywhere else in it, कि कहीं और भी पाई जाती है except on the earth, मां सवाय हमारी जमीन के, that the kind of life we have is not found elsewhere in universe except on our planet, except on आवर प्लैनेट, कैसी जिंदगी कहीं और भी पाई जाती है। ठीक है जी, और ये देखिए 5 रीजंस आपने देनी है व्हाई डू वी फाइंड आवर यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, 5 की 5 रीजन होने चाहिए। इफ यू मिस इवन यू मिस एनी ऑफ दीज 5 योर आंसर इट विल नॉट कैरी फुल मार्क्स, you may get half number detect if you do not give all these reasons, if you miss just 1 out of 5। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बेटा, नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह ताला, एक मेरी कोशिश है कि इसके ऊपर एक लेसन या इससे ज्यादा आपका ना बढ़े, लेकिन अगर ग्रामर आ गई तो चीजें बढ़ सकती हैं। अगले लेसन में मैं अबव ऑल एंड द इडियम आपको बात करूंगा, इडियम में एक तो और भी बात करूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।